प्रहलाद जी महाराज पढ़ने गए, उनके गुरुजी दो पढ़ाई पढ़ाए, पढ़ के प्रहलाद जी आए, पिता ने बोला बेटा पढ़ लिया? हाँ हाँ पढ़ लिया। क्या पढ़े? बोले 9 बातें मैंने बढ़िया सीखी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? कौन कौन सी भक्ति? नवधा, 9 प्रकार की। कौन कौन सी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गन, करही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोदे संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहिं पर दोसा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भक्ति 9 प्रकार की। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति, कथा सुनना पहली भक्ति। इसलिए कथा सुना करो, कहीं भी रहो कथा सुना करो। आप अपने मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। आज मोबाइल पर यूट्यूब पर आज अनिरुद्धाचार्य डाली है यूट्यूब पर, तो आज 1 करोड़, आज ही 22 लाख लोगों का परिवार पूरा हुआ, 1 करोड़ 22 लाख। तो आप लोग भी कथाएं सुना करो, कहीं भी रहो काम करते रहो। प्रथम भगति संतन कर, संतों के संग में रहना पहली भक्ति है। और आप पूज्य गुरुजी के संग में हैं, संतों की संगति है तो पहली भक्ति है। तो प्रथम भगति संत, देखो आप विदेश में रहते हैं अर्थात लंदन में हैं, और लंदन में रह के यदि आप सत्संग से हट गए तो फिर यहाँ आप सुरक्षित नहीं हैं। आप सुरक्षित मतलब आपकी संस्कृति सुरक्षित नहीं है। यदि आपको संस्कार भूल गए ना तो फिर आप और बड़े वाले अंग्रेज बनना चाहोगे। इसलिए संस्कारों से जुड़ी रहिएगा। तो पहली भक्ति है सत्संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं से प्रेम हो। क्या होना चाहिए? प्रेम, भगवान की कथाओं से प्रेम, ये दूसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु जी की सेवा, माता जी की सेवा, पिताजी की सेवा, पति की सेवा तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है। सेवा, आप अपने पति की सेवा करते हैं? चरण दबाते हैं पति की? मैया कैसा मजाक कर रहे हो महाराज जी पति के भी कोई पांव दबाता है? पति के चरण नहीं दबाते आप लोग? हमारे भारत में तो माताएं दबाती हैं, चरण दबा के ही सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिल जाए चरण दबा के सोती हैं। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के, लक्ष्मी जी सदा चरण दबाती हैं, है ना? आप लोग नहीं दबाते?
आज दबाना, बोलना कथा सुन के आए हैं। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है, हमारे यहां देखो सबके धर्म है ना। जैसे लंदन में आप देख रहे हैं, यहां सब सुव्यवस्थित चल रहे हैं, अपनी लाइन से चलते हैं, अपनी लाइन से गाड़ी चलाते हैं, अपनी लाइन से पैदल भी यहां चलते हैं तो सुव्यवस्थित ढंग से चलते हैं। जैसे यहां की ये मर्यादाएं हैं, ऐसे हमारे धर्म ने भी तो मर्यादाएं बनाई हैं। पुत्र की मर्यादा अलग है, पिता की मर्यादा अलग है, पत्नी की मर्यादा अलग है, पति की मर्यादा अलग है, सब मर्यादित रहे, लेकिन अब उन मर्यादाओं का पालन करते नहीं है ना लोग। सोचिए कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाए और माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देने लग जाए और पत्नी अपने पति की सेवा करने लग जाए, तो बताओ फिर घर घर कहां रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। तो पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा प्रेम से सुनना, तीसरी भक्ति है सेवा करना। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हम तो माताओं के चरण दबाते हैं, अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। आप लोग भी दबाया करो अपनी माओं के पांव, यदि आपकी माँ है तो पांव दबा लो, बाप है तो बाप के पिता के पांव है ना दबाओ, पति है तो पति के चरण दबाओ। सेवा मतलब हमारे यहाँ क्या बताते हैं, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो दबाएंगे आज, सही। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गन करहिं कपट तज गान। भगवान के गुणों का गान निष्कपट होकर करो, ये चौथी भक्ति है। भगवान की कथाओं का गान निष्कपट, चौथी भक्ति भगवान के। आप भी अपने घर में पति पत्नी बैठ जाओ और थोड़ी भगवत चर्चा किया करो, बेटा है बेटी है, तो ये चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना विश्वास के साथ। आप भगवान पर विश्वास करते हैं कि नहीं, किस किस को भगवान पर विश्वास है, सबको। अच्छा ये बताओ, सुई के छेद से, सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल सकते हैं क्या, बता, हाँ या ना? ना? फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि विश्वास करते हैं हम भगवान पर, सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। इतना सा मुंह खोला था भगवान श्री कृष्ण ने और इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा, पूरा ब्रह्मांड। वो भगवान जो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो चाहे तो सुई के छेद से पूरा ब्रह्मांड निकाल दे, निकाल सकते हैं कि नहीं। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अचरज क्या है, अचरज मीन्स आश्चर्य क्या है। और राम जी जिस बंदर को, जिस बंदर पर हाथ रख देते ना, वो बंदर हनुमान हो जाता। जिस पर हनुमान जी की तरह हाथ रख देते, वो हनुमान हो जाता, हाँ या ना। तो जिनकी कृपा से एक बंदर
समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया। जिनकी कृपा से पत्थर पानी में तैरने लग गए, वो कृपा करें तो बताओ क्या नहीं हो सकता। तो आप भगवान का नाम जपते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। निकल सकता है। भगवान पर विश्वास करने का मतलब यही तो है कि भगवान जो चाहे सब हो सकता है, भगवान की लीलाओं पर संदेह नहीं, भगवान जो चाहे सब पॉसिबल है। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए, पक्का वाला, कच्चा वाला नहीं। क्या करेंगे भगवान पर विश्वास करिए। आज लोगों को भगवान पर विश्वास कम है, भगवान पर विश्वास नहीं है, और जिसे भगवान पर विश्वास है वो सुखी है। आप लोग पूर्ण विश्वास भगवान पर करिएगा, किसी पर भरोसा नहीं।